नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, और चंदे कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए, पूरा मुल्क खा गए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और इस टाइम प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो सोशियो इकोनॉमिक की जांच हुई थी ना, उसमें फर्जी 5 अंक लेने वाले 7800 बच्चे पकड़े गए हैं। अब सरकार कह रही है इनको हम मेंस में जो एक्स्ट्रा सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं देंगे। अब चलो ठीक है, नंबर आप नहीं दोगे, लेकिन ना जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे ना, वो इनमें 7800 में से प्यारे बच्चों, अगर ये इनमें हो सकता है कुछ बच्चे तो विदाउट 5 भी इनका नंबर आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे जिनके मतलब जो मतलब डिजर्व नहीं करते थे और इस कैटेगरी में आ गए हैं क्वालिफाइंग वाली, और जो डिजर्व कैंडिडेट थे वो बाहर हो गए हैं। अब कई कहेंगे सर इतने मतलब कट ऑफ के बराबर वाले क्या जॉब लगेंगे, बहुत सी पोस्टें हैं, ALM की हो गई, स्टाफ नर्स की हो गई, ठीक है, उनमें प्यारे बच्चों कैंडिडेट भी सभी क्वालिफाई को मौका मिलेगा, तो बहुत बड़ी संख्या में ना ये बच्चों के साथ बहुत है बुरा हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, ये बुक है, अच्छी लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। पूरे हरियाणा में 320 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेफरेंस के लिए लिंक खोला, लिंक तो खोल दिया लेकिन अभी तक वो ओपन नहीं हुआ है। 2 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। ग्रुप सी के उम्मीदवार कैटेगरी अनुसार अपनी प्राथमिकता बताए, इसमें यही कहा गया है, लिंक शुरू कर दिया। वैसे इस पोर्टल में प्रेफरेंस भरवाने के लिए आयोग के सदस्य कमलजीत सैनी ने भी खूब मेहनत की है। ये तो वही सेम चीजें हैं, रेफरेंस में कैटेगरी अनुसार वही है, रोमन वाला, एक्साइज इंस्पेक्टर, सहकारी, फूड सप्लाई, इन पदों के सामने एक दो नंबर लिखना होगा और नोट मेरिट में आएगा तो उसका चयन एक नंबर वाले पद के लिए हो जाए, इस तरह। जिससे ये तो रोमन वाला है वो बता देंगे, मेन चीज यहाँ पर है 7800 के लगभग अर्थ के अंक कटेंगे। 56 और 57 पेपर ले लिया गया, इसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ। गुरु 56 के पेपर में 41 सवाल रिपीट हो गए थे, यह मामला अदालत में है। जिसे उम्मीद जितने पेंडिंग है, जितने उम्मीदवार इन दोनों ग्रुपों के योग्य थे उनमें जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक क्लेम किए हुए थे, उनकी वेरिफिकेशन आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी से करवाई। वेरिफिकेशन में पाया गया कि 7496 उम्मीदवारों के परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं थी, मगर उनके पारिवारिक आय 1-80 लाख से ज्यादा थी। ठीक है, 1-80 वाले के कारण बेचारे फंस गए हैं इस तरह। लगभग इसमें से ना 1-80 आए हैं ना, इसमें मैं नहीं कहता ये सारे झूठे हैं प्यारे बच्चों, 1-80 है ना, ये वेरिफिकेशन में भी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और किसी की ना 1 किल्ला भी नहीं है, उसकी आय 2.5 लाख देखी है मैंने, ठीक है। तो इसमें भी बेचारे बच्चे बहुत फंसेंगे जिनके परिवार में सरकारी नौकरी थी, लगभग 1,167 ऐसे हैं जिन्होंने अनुभव के क्लेम कर रखे हैं मगर उन्होंने प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड नहीं कर रखे हैं। अगर 56-57 का रिजल्ट घोषित होता है इन उम्मीदवारों के ये अंक नहीं मिले, आयोग ने अंतरिम तौर पर ये रिपोर्ट तैयार की है मगर इसका प्रयोग चयन के समय होगा। तो प्यारे बच्चों ये देखो कितना दुख वाली बात है, जो रियल में डिजर्विंग कैंडिडेट थे ना वो इस भर्ती में आ ही नहीं पाए। और ये सोशियो इकोनॉमिक की हर बार सरकार क्या करती है, लास्ट में जांच करती है, DV के टाइम में जांच करती है और रिपोर्ट सार्वजनिक है नहीं करती है। और बहुत ज्यादा डिजर्विंग मेरे भाई बहन है ना वो रह जाते हैं, बड़े दुख के साथ इस चीज को कहना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी प्यारे बच्चों मैं तो यही कहूंगा, जिसका ग्रुप CET मेंस के लिए चयन हुआ है उन्होंने तैयारी छोड़ रखी है, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम तो HSSC ले लेगा, क्योंकि आनन फानन में 1 हफ्ता में इन्होंने ग्रुप 56-57 करवाने के लिए कितने नोटिस निकाले थे, तो एग्जाम तो ले लेंगे ये। लेकिन ना दुख होता है कि कोई मम्मी पापा का डिजर्विंग बेटा है ना वो रह जाता है, तो मेंटली हरासमेंट बहुत होती है। तो यही अपडेट थी प्यारे बच्चों, शाम को भी लाइव मिलेंगे 8:30 बजे और 3:15 बजे GK पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, और जो भी ग्रुप D के लिए तैयारी कर रहा है तो नए बच्चे चैनल से जरूर जुड़ना। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।